हेलो गाइज, मैं हूं रोहित और TNA हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछली वीक की TNA एक्सप्लोजन में हमें क्या कुछ देखने को मिला, उसकी हाइलाइट्स के बारे में। क्योंकि गाइज, TNA एक्सप्लोजन जो है वो नेक्स्ट वीक हमें दिखाई जाती है। और गाइज, इसके अलावा हम बात करेंगे कि नो सरेंडर के लिए अभी तक कौन कौन से मैचेस अनाउंस हुए हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो। तो गाइज, एक्सप्लोजन की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नो सरेंडर के बारे में। तो गाइज, नो सरेंडर के लिए अभी तक 3 मैचेस जो है वो अनाउंस हुए हैं कंपनी की ओर से। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स डिवीजन चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि हमें एक्स डिवीजन चैंपियन क्रिस सैबिन वर्सेस मुस्तफ़ा अली के बीच में देखने को मिलेगा नो सरेंडर में। गाइज, लास्ट वीक की TNA इम्पैक्ट में हमने देखा है कि किस तरह से मुस्तफ़ा अली ने बैक स्टेज में क्रिस सैबिन का मजाक उड़ाया था और एक तरह से ये बताने की कोशिश की थी कि वो एक्स डिवीजन टाइटल के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो गाइज, नो सरेंडर में इनका एक बड़ा मैच यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। और गाइज, इसके बाद बात करें अगले मैच की, जो कि हमें देखने को मिलेगा नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन ग्रेस वर्सेस जैसल शॉ के बीच में। तो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसल शॉ ने जो है एक्स अल्टीमेट एक्स जीता था, तो गाइज इसी के रिगार्डिंग उन्होंने अपना अल्टीमेट एक्स जो है वो कैश इन किया है और उनका भी एक बड़ा मैच हमें नॉकआउट वर्ल्ड टाइटल के लिए देखने को मिलेगा जॉर्डन ग्रेस के साथ। और गाइज, इसके बाद बात करते हैं मेन मैच की। तो गाइज, ये हमें TNA वर्ल्ड चैंपियन मूस वर्सेस एलेक्स शेली के बीच में देखने को मिलेगा। ये भी लास्ट वीक की TNA इम्पैक्ट में हमने देखा था कि एलेक्स शेली ने उनको चैलेंज किया था TNA वर्ल्ड टाइटल के लिए कि मैं फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो नो सरेंडर में मेरा मैच होना चाहिए। तो गाइज, ये अभी तक 3 मैचेस जो हैं वो बड़े मैचेस अनाउंस हुए हैं नो सरेंडर के लिए। इसके बाद जैसे ही कोई अपडेट आएगी नो सरेंडर के बारे में, वो आपको हमारे इस चैनल पे दे दी जाएगी। तो चलिए गाइज, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन की हाइलाइट्स के बारे में। तो गाइज, एक्सप्लोजन में हमें सबसे पहला मैच देखने को मिलता है राइनो वर्सेस चैंपियन सिंह के बीच में। तो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि चैंपियन सिंह इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और खैर ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी इंडियन रेसलर को एक विलन के रूप में दिखाया जाए। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, चैंपियन सिंह पूरे मैच में एक खतरनाक रूप में नजर आए, लेकिन अंत में राइनो ने अपनी गोर यानी कि अपनी स्पीयर लगाई और इस मैच को जीत लिया। और इसी तरह से एक बार फिर से इंडियन रेसलर की हार हुई। और गाइज, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है अराउंड द रिंग। तो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि अराउंड द रिंग में जिया मिलर जो है बैक स्टेज में किसी रेसलर का इंटरव्यू लेती हैं, तो इस वीक की जो एक्सप्लोजन थी उसमें अराउंड द रिंग में वो जॉडी थ्रेट का इंटरव्यू लेती हुई हमें नजर आई। और गाइज, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ द वीक, जिसमें टॉप 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमें दिखाए जाते हैं TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के। और गाइज, इसके बाद हमें दूसरा लास्ट मैच हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है जैसन हॉच वर्सेस रिच स्वान के बीच में, और जैसन हॉच के साथ उनके टैग टीम पार्टनर जॉन स्काइलर भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी ओर से हमें कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस तो देखने को नहीं मिला। लेकिन गाइज, यहाँ पे रिच स्वान की ओर से बैक स्टेज में कमेंट्री के लिए करने के लिए आ गए थे यहाँ एक लंबे ऊंचे शख्स जिनका नाम था AJ फ्रांसिस। तो गाइस, AJ फ्रांसिस जो हैं वो यहाँ पे कमेंट्री के लिए आ गए थे, जो कि रिच स्वान के फेवर में कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन गाइस, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिच स्वान जो है उनके इस हरकत से थोड़े से मैच से थोड़ा सा उनका ध्यान हट गया और वो इस मैच को हार गए, और ये बात रिच स्वान को काफ़ी बुरी लगती है। और इस तरह से TNA एक्सप्लोजन का अंत होता है। तो गाइज, आपको कैसा लगा आज का TNA एक्सप्लोजन का एपिसोड, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और गाइज, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप TNA रेसलिंग के फैंस हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको TNA रेसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ और अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। गाइज, हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।